नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये नासिक जा रहे थे हम लोग त्र्यंबकेश्वर, वहाँ रास्ते का नज़ारा है। बहुत बारिश हो रही थी, खिड़की खोलने से पूरा पानी अंदर आ रहा था, इसलिए शीशा बंद है और आप देख रहे हैं इतनी बारिश हो रही। अब ये हल्का कम हुआ है तो मैंने खोल लिया था थोड़ा शीशा और बहुत सुंदर, क्या बताएं, एकदम जन्नत है। इतना अच्छा लगेगा जब आप वहाँ जाएंगे तो, पहाड़, बारिश, वहाँ 24 घंटे बारिश होती है, पता नहीं कब होने लगे। हम लोगों ने रेनकोट ख़रीदा इसके लिए। और आप जब जाएंगे वहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, बहुत अद्भुत दर्शन हुए हम लोग को। देखिए कितनी हरियाली है ये रास्ते की। बड़ी मस्ती में हम लोग जा रहे थे, पूरा ग्रुप था हम लोग के साथ में। देखिए कितना बादल घना, जैसे लग रहा है कि बादल पूरा ज़मीन पे रखा हुआ है। वहाँ का मौसम 12 मास बारिश का ही होता है लगभग लगभग, और बरसात के महीने में तो बहुत बारिश। ये यहाँ पर हम लोग स्टे किए थे तो खाना वगैरह खा रहे थे। ये मेरी सुमन दीदी बहुत मस्ती कर रही थी, देखिए पूड़ी हमको पकड़ा रही हैं कि लो खाओ। इनकी तो मस्ती, मतलब आनंद आ गया रास्ते का और सफ़र का, आनंद इतना आया कि क्या बताएं। ये दिन सब यादगार हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, जहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे रास्ते में, क्योंकि दूर भी था वहाँ से और हम लोग को भूख लगी बहुत तेज़, तो ये हुआ यहाँ पर बैठ के खाना खा लिया जाए थोड़ा। तो हमने छोटी सी क्लिप शूट करी, वो पहाड़, नारियल के पेड़, बारिश हो रही थी। देखिए यहाँ खा पी के फिट हो गए हैं, अब हम लोग गए हैं लाइन में लग गए हैं दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ अंदर का जो आरती हो रहा था ना, उसका ये दिखा रहे हैं टीवी में। तो मैंने छोटा सा शूट किया था क्लिप और लाइन में लगे हुए थे भैया हम लोग, ये VIP लाइन में लग गए जा कर के। तो बहुत अच्छे से वहाँ पर दर्शन हुआ। ये हम अपने घर में जो है दिखा रहे थे बच्चों को वीडियो कॉल करके कि लो देखो तुम भी वहाँ पर कैसे हो रहा है पूजा पाठ। बहुत भीड़ थी, VIP लाइन में भी बहुत भीड़ थी, हर कोई जल्दी से जल्दी दर्शन पाना चाहता था वहाँ पर बारिश की वजह से। ये देखिए जब हम लोग अंदर से बाहर निकले हैं तो ये वहाँ लाइन लगी हुई थी मंदिर के लिए। ये मेन मंदिर है यहाँ पर, यहीं पर भगवान जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतना पुराना मंदिर है और ये लाइन में सब लोग लगे हुए हैं। ये VIP लाइन है, उसके जस्ट बगल में दूसरी लाइन है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंदर नहीं सूट कर पाए हम लोग बारिश की वजह से, बाहर ही सूट कर पाए क्योंकि अंदर इतनी भीड़ हो गई थी कि बस जल्दी जाओ दर्शन करो निकलो, जल्दी दर्शन करो निकलो, बहुत भीड़ थी वहाँ। मोबाइल निकालना मतलब बहुत परेशानी थी तो इसलिए। और ये दर्शन करके हम लोग बाहर निकले हैं तो यहाँ पर ये झरने बह रहे हैं पहाड़ पे, इतना बारिश हुआ है, इतना बादल था। देखिए छोटी सी क्लिप यहाँ की भी शूट कर लिए क्योंकि बारिश ही इतनी थी, मोबाइल हम लोग निकाल ही नहीं सकते थे बाहर। ये देखिए रेनकोट ख़रीदा हुआ था हम लोगों ने, वही पहन के लाइन में लगे थे। क्या बात है, जन्नत है बिल्कुल। आप कभी जाएंगे तो दर्शन करके ज़रूर आइए वहाँ पर। ये देखिए हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। सारे कपड़े गीले हो गए थे हम लोग के। सब यादें हैं ये, और ये सुमन दीदी का साथ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ऐसे लोग साथ में हो तो सफ़र का आनंद दुगना हो जाता है। देखिए ये ज्योतिर्लिंग है वहाँ का, इतनी भीड़ थी मंदिर में। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।